चुप करो बोलन दो। वाटर पार्क भी टिकटॉक अभी की बोलन देसो गाइस, इनको टिकटॉक की पड़ी है, मुझे व्लॉग नहीं स्टार्ट करने दे रहे। अब मुझे व्लॉग स्टार्ट करने तो ब्राय मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए आप लोग स्टार्टिंग में ही देखें, ठीक है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी हम लोग ना जम्मू से वापस जा रहे घर, क्योंकि हमने सोचा था हम थोड़े दिन यहाँ पे रुकेंगे, तो लेकिन यहाँ की गर्मी आप देख सकते हो कि फेस पे कुछ बिना लगाए भी ये हालत है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि अब हमें यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब चारा नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब अभी हम पूरा दिन यहाँ पे रुके रहे, हम कहीं जा नहीं पाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप अंदाज़ा तो लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे लाइट भी चली गई, लाइट भी अब कट हो रही है इतनी ज़्यादा। तो अभी हम सीधा सीधा घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे बारिश हुई है और इतना अच्छा मौसम है, और हम क्यों गर्मी में सड़े, ठीक है। घूमना फिरना होता रहेगा, मैं 2 साल जम्मू में रही हूँ लेकिन कहीं नहीं घूमी, मतलब सोच सकते हो, ठीक है। इसलिए फिर हमने दिल पे पत्थर रख के वापस जाने की तैयारी कर ली है। तो चलो फिर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और लाइट भी आ गई, चेक करें आप। तो चलो ठीक है, फिर चलते हैं और चल के आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पे शोर हो गया, हमने अपना बोरिया भी बांध लिया और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, और होपफुली हमें जल्दी से मेटाडोर मिल जाए और फिर हमें एसी वाला ऑटो टेम्पो मिल जाए, जो कि हमें लास्ट टाइम भी नहीं मिला था। तो चलो फिर चलते हैं और फिर चल कर आपको ना हम सिचुएशन बताते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। चलो चलते हैं। और यहाँ पे मैंगोज के ना पेड़ है यार, जिनको देख देख के दिल ना ललचा जाता है मैंगो खाने के लिए। बहुत खाई हुई, साथ में भी डाल दिए, 2-4 साथ में डाल दिए। अंदर हो मेहंदी, चेक करें मेरी कलाकारी, चेक करें, ठीक है। जाते जाते मैं अपना निशान छोड़ के जा रही हूँ। तो गाइस अभी हम मेटाडोर तो नहीं मिली है, तो हमने यहाँ से अब ऑटो कर लिया है बस स्टैंड के लिए। तो चलो चलते हैं फिर। सो गाइस हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ हुई ना, मतलब वापस घर आते हुए, कि जो ऑटो वाले भैया थे ना, वो बेसिकली पूंछ के थे। तो उन्होंने हमें पूछा कि आप लोगों को कहाँ जाना है, क्योंकि जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ से ना पूंछ और रजौरी की गाड़ी जाती है। तो मैंने बोला रजौरी जाना, तो वो बोल रहे थे कि हाँ मेरे रिलेटिव भी गए हैं, तो आप पहले बताते उनके साथ चले जाते। फिर उन्होंने उनको कॉल की तो वो पास में थे, तो फिर उन्होंने बोला आप जाओगे? तो मैंने बोला अब उनके साथ और कौन है? तो उन्होंने बोला कि मेरी खुद वाइफ है या कोई रिलेटिव है, मतलब कि फ़ीमेल, उन्होंने बोला था कि फ़ीमेल है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, और क्या चाहिए, एसी वाली गाड़ी में हम आराम से चले जाएंगे, टेम्पो में तो एसी मिलता नहीं है हमें। तो फिर हम लोग आराम से गए और हमारा जो ये वाला सफ़र था ना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पता ही नहीं चला गर्मी थी भी या नहीं। तो चलो फिर चलते हैं। Oh,
अभी हम पहुंच चुके हैं और भैया हमें लेने के लिए आए, वो भी स्कूटी पे। देखो रूल ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपलिंग करके जाएंगे। मैं स्कूटी लेके बाहर घूम रहा था। हाँ मुझे पता, आप घूम रहे थे तो वहाँ से आगे। चलो फिर चलते हैं और फिर आपको जाके बताते हैं। सो गाइज, इसके बाद ना फिर हम ट्रांसफ़र हो गए थे दूसरी गाड़ी पे, क्योंकि हम पहले अपनी खाला के घर जा रहे थे भैया के साथ, तो फिर प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमें दूसरे कज़िन मिल गए थे जो कि डायरेक्ट हमारे गांव आ रहे थे। तो फिर हम लोग सीधा ही बैठ के आ गए, क्योंकि सुबह गर्मी में खज्जल होने से अच्छा हम सोचा अभी पहुँच रहे हैं तो पहुँच जाते सीधा घर। तो चलो फिर चलते हैं और पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो ये किधर बैठे हुए हो, ये किधर बैठे हुए हो ना भाई? अब मेरा मूड नहीं है, कैमरे के सामने नहीं बोलना। अभी मैं शिद क्या दादू। तो गाइस ये देखिए हमारी आयत उठ चुके हैं, हेलो करो, ये हमारे पास आ चुके हैं। और मेरी हालत देखो, आज हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो। हम तो पहुंच चुके हैं अपने घर, तो थोड़ा सा रास्ता बच गया, चलते। क्या हुआ, वो क्या हो गया? वो जो मशीन का नट निकाल दिया है, अभी गंदम की फसल निकल रही है। पता है आपको, आपको पता, आपको पता? खुला मैं अंदर देखा, मैं खुला मेरा उन्हें ना अपना राती गपी जाए। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हालत देखें आप हमारी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और पाँव में जो स्वेलिंग है ना भाई साहब, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। जो पाँव में दर्द है वो 2-4 दिन लगेंगे उसको हील होने में। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहना। बाई।